इस मॉड्यूल में हम फाइलम इकनोडर्मेटा की क्लास और फिर यूरिड्स में डेवलपमेंट के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे ये एक नॉर्मल फिनोमिना है कि आफ्टर एक्सेंट स्पनाइटोट फॉर्म जयगोट अंडरगोज प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट टू तो फॉर्म द इंडिविजुअल विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ अडल्ट अब ऑफी यूरिट्स जो हैं नॉर्मली दे अंडर गो जर्मिनल वेसिकल ब्रेक डाउन प्रायर टू आर सून आफ्टर स्पानिंग इन मोस्ट स्पीशीज इन रिगार्डलेस के डिफरेंट स्पीशीज के अंदर डेवलपमेंट का मोड क्या है बट दे विल हैव दिस इंपॉर्टेंट फिनमिना विच इज़ नोन एज जर्मिनल वेजिकल ब्रेकटा अब ऐसी स्पीशीज ऑफ ऑफ्यूजरेट्स की जिनके अंदर प्लैक्टोनिक लार्वा जो है वो पैलेजिक है दे नॉर्मली यूजअली पैलेजिक लार्वा टेन टू शड थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल ओलीगोलेसिथल एग्स एंड दैन देर गो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइज ये लार्वा जो है जब यह जयगोड डिवेलप करेगा डिवेलप करने के बाद जो इसके अंदर फ्री फ्लोटिंग प्लेंगटोनिक लारवा जिसको हम ओफियोप्लोटिक लारवा कहेंगे दिस विल अंडर गो अ पैलेजिक पीरियड और ये पैलेजिक पीरियड जो है ये डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर डिफरेंट है जैसे इस ब्रिटल स्टार के अंदर ये पैलेजिक पीरियड जो है दिस विल लास्ट फॉर अबाउट ट्वेंटी टू नाइन्टी डेज अब ये डिपेंड करता है कि वाटर का टम्परेचर क्या है इसलिए कोई इसकी डेफिनेट हम ये नहीं कह सकते कि इतने डेज के बाद ये लार्वा अडल्ट में डेवलप करेगा दूसरी स्पीशीज़ जो पैलेजिक लार्वेल स्टेजेस की हैं दे आर लेसिथोट्रॉफिक अब ये स्पीशीज़ जो है जो लेसिथोट्रॉफिक हैं दी स्पीशीज़ टेंड टू शेड सेवरल थाउजेंड मीडियम टू लार्ज साइज एग और एग्स का डायामीटर जो है 130 से लेके 420 माइक्रोमीटर तक है और ये एग्स जो हैं दे आर रिच इन न्यूट्रेंट्स एंड दे आर ओपेक दे प्रोवाइड नॉरिशमेंट टू द डेवलपिंग लार्वे अब डेवलपमेंट टू नॉन फीडिंग लार्वे विद पैलेजिक पीरियड रफली एक वीक से ले या इससे भी लेस हो सकती है और ये डिपेंड करता है कि वाटर जो है उसके अंदर पहले जिक लार्वे कहाँ पे रह रहे हैं वाटर की बॉटम पे रह रहे हैं या ये दे आर लिविंग इन वाटर कॉलम आर नियर टू द बॉटम दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस डेवलपमेंट इन ऑफिस यूनिट्स ये ऑफिस यूनिट्स है और यू एक्यूनेड इसके ये दोनों डिफरेंट क्लासेज हैं लेकिन इनके अंदर डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो सिमिलर है डिपेंड करेगा कि इसके अंदर कितनी ड्यूरेशन का है सबसे पहले डेवलपमेंट आएगा ब्लास्टोला अर्ली ब्लास्टोला अर्ली ब्लास्टोला के अंदर सेल्स जो हैं वो अपने आप को लेयर की शक्ल में अरेंज करते हैं अर्ली ब्लास्टोला के बाद फिर आएगी स्टेज ब्लास्टोला ब्लास्टोला के अंदर फर्दर सेल डिवीजन होगी देन नेक्स्ट स्टेज इज गैस्टरला गेस्ट में एक कैविटी की अपीयरेंस स्टार्ट होती है जिसको हम कहते हैं ये दिस इज़ द कैविटी और इसमें सेल्स अपने आप को फर्दर लेयर्स में अरेंज करते हैं अर्ली ब्लास्टूला ब्लास्टूला फिर मेजन कैमा ब्लास्टूला दैन इज गैसट्रोला गैस्ट्रोला के बाद जो है वो इसके अंदर है फिर प्रिजम प्रिजम के बाद नेक्स्ट डे जो है वो है प्लूटस लार्वा दिस प्लूटस लार्वा इज़ फ्री फ्लोटिंग प्लैंकटोनिक लार्वा इट विल टेक सम पीरियड डिपेंडिंग अपॉन इट्स सेटलमेंट वेदर इट इज़ in the column of water or well, how it attaches to the substrate and what is the temperature of water then its development will take place into adult similarly in u -echinoid, you can say stages are similar like there is early blastula blastula mesenchyme blastula gastrula prism and echinopluteus larva but its cell arrangement structure and larval shape is different so whatsoever the species is whatsoever the class is the developmental stages blastula gastrula they are usually similar and they ultimately end at the larval stage whether it may be ofioplutus larva or it may be acanthoplutus larva then these larvae they develop into adult.